सभी सुनने वालों को अपने रेडियो दोस्त प्रमोद पी माथुर की नमस्ते। प्रतिलिपि एफएम पर मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ एक कहानी, मकड़ रहस्य। इस कहानी के लेखक का नाम है प्रीतम कुमार मेहता। तो आइए आज सुनते हैं इस कहानी का भाग एक। अचानक से दरवाजे की कॉल बेल बजी। मैं गहरी नींद में सोया हुआ था। फिर से कॉल बेल की आवाज सुनकर मेरी आंख खुल गई। बाजू में ही रखी टेबल घड़ी में देखा तो रात के 2 बज रहे थे। इतनी रात को कौन दस्तक दे सकता है। दिमाग ना चाहते हुए भी एक वजूद कायम करने में लगा हुआ था। धड़कन अब मेरी तेज होती जा रही थी। अब मेरी धड़कन की आवाज स्पष्ट मेरे कानों में सुनाई देने लगी थी। दिल ने भी अपनी तेज गति से पंप करके पूरे जहन में डर की हवा भरने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। काफी हिम्मत करने के बाद मैं उस दरवाजे के पास पहुंचा। इतनी रात को किसी अजनबी ने दस्तक दिया था। डरते हुए मैंने दरवाजे की चिटकनी अंदर से खोलने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा था कि मेरे आगे एक बड़ी मकड़ी उस दरवाजे की चिटकनी के ऊपर बैठ गई। मैं मकड़ी देखकर डर गया और चिल्लाने लगा। मेरी नींद खुल गई। अपने आप को मैं अपने बिस्तर पे ही पाया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैं हफ्ते भर से रोज रात को मकड़ी के बारे में ही सपना देख रहा था और आज 7 दिन से मैं मकड़ी से इतना डरने लगा कि सोते जागते बस उसी का डर लगता था। घड़ी में समय देखा, सुबह के 5 बज चुके थे। बीते 25 सालों में मैं मकड़ी से आज तक इतना नहीं डरा जितना कि पिछले 7 दिनों से डर चुका था। मुश्किल से दीपावली के 2 दिन बचे हुए थे। सुबह से ही मौसम का मिजाज कुछ बदला बदला सा दिख रहा था। बेमौसम ये बारिश एक बहुत बड़ी साजिश से कम नहीं थी, ये भी एक पहेली ही थी। मैं दिन भर अपने घर के ही काम में लगा रहा। आज शाम दीपावली के लिए सामान, मिठाई और पटाखे लेने के लिए बाजार गया था और उधर से ही मुझे रेलवे जंक्शन भी जाना था। मेरे एक बड़े भाई के दोस्त रवि आज 5 घंटे के लिए मेरे शहर आने वाले थे। रवि का ये दूसरा दौरा था। करीब 1 सप्ताह पहले भी वो 5 घंटे के लिए मेरे घर पे आया था। पिछली दफा रवि कुछ सामान मेरे घर में ही छोड़ गया था। मैं खुश था कि उनका सामान मैं उनको आज लौटा भी दूंगा। शाम 5 बजे उनकी गाड़ी आने वाली थी और फिर 10 बजे उन्हें वापस गाड़ी को पकड़ना था। मैं गाड़ी आने से 10 मिनट पहले ही स्टेशन पहुंच चुका था। रवि का छूटा हुआ सामान मेरी जेब में ही रखा हुआ था। गाड़ी समय से आ चुकी थी। 10 मिनट में ही सारे पैसेंजर स्टेशन को खाली कर गए थे, मगर रवि कहीं नजर नहीं आ रहा था। काफी इधर उधर देखने के बाद भी रवि नहीं दिखा। मैंने अपने भाई को कॉल लगाने ही जा रहा था कि किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहा, एक्सक्यूज मी, कहीं आप रवि को तो नहीं ढूंढ रहे? मैं अपना फोन काटते हुए पीछे की तरफ मुड़ा। मैं हक्का बक्का रह गया, वो कोई और ही आदमी था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा, मैं ही रवि हूं। उनकी बात सुनकर अब तो मेरी हवाएं उड़ने लगी थी। अगर ये रवि है तो फिर हफ्ते भर पहले जो आया था वो फिर कौन था? दिल और दिमाग इस दुविधा में लगा हुआ था कि अचानक उस अजनबी ने कहा, मैं पहली दफा इस शहर में आया हूं। आपके बड़े भाई साहब ने आपके बारे में बताया था, इसीलिए मैंने आपको तकलीफ दी। मेरी ट्रेन रात 10 बजे फिर इसी स्टेशन से जाएगी। मैं उनकी बात कुछ भी गौर से नहीं सुन पा रहा था। बार बार मेरे दिमाग इसी उधेड़बुन में लगा हुआ था कि आखिर दोनों मेरे लिए आज अजनबी ही बने हुए थे।
ये अगर रवि है तो वो अजनबी कौन था, अगर वो रवि था तो ये अजनबी कौन है। दिमाग दोनों पहलों में जाकर सोच रहा था। उनके सामने अपने बड़े भाई को कॉल करना भी मुझे ठीक नहीं लग रहा था। अगर यही रवि निकल गया तो बड़े भाई साहब को ये पूछना ठीक नहीं लगेगा। मैं चुपचाप उनको लेकर अपने घर के लिए रवाना हो गया। घड़ी देखी तो 5:30 बज चुके थे। दिमाग दिल को यही समझा रहा था कि 4 घंटे की ही तो बात है, फिर तो ये चला ही जाएगा। ये सोचते सोचते कब मैं घर भी पहुंच गया मुझे पता ही नहीं चला। आज मैं किसी और अजनबी के साथ था। दरवाजे का 2 बार कॉल बेल बजने के बाद मेरी पत्नी ने अंदर से दरवाजा खोला। मैंने अपनी वाइफ का परिचय उस अजनबी से, ये रवि है, बड़े भैया के दोस्त, ये बताकर कराया। मेरी पत्नी प्रश्नवाचक चेहरे को लिए रवि को प्रणाम किया। अब तो उसे भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि हफ्ते भर पहले फिर वो रवि कौन था। मैंने रवि को एक रूम में ले जाकर उसे फ्रेश होने को कहा और मैं अपनी पत्नी के पास चला आया। अब तो मेरी सुनने की बारी थी। मेरी पत्नी ने अभी कुछ भी नहीं सुनाया क्योंकि पूजा करने का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था। पूजा करने के बाद आरती हुई, उस आरती में वो अजनबी भी शामिल हुआ था। प्रसाद का लड्डू में से एक लड्डू मैंने उनके हाथ में दिया। लड्डू उनके हाथ में देते ही मेरी नजर उनकी उंगली पे गई, ठीक उसी तरह की अंगूठी जो हफ्ते भर पहले उस अजनबी ने छोड़ी थी, जो कि अब भी मेरी जेब में पड़ी हुई थी। वो अजनबी भी ठीक वैसी ही अंगूठी पहने हुए था। अब तो मेरी समझ के परे ये घटना घट रही थी। रवि और ये अजनबी और दोनों के पास एक जैसी ही अंगूठी, ये इत्फाक नहीं हो सकता। कुछ न कुछ लिंक जरूर ही था इस अंगूठी से इन दोनों का। खाना तैयार हो चुका था। मेरी पत्नी ने हम दोनों को खाना खिलाया। चूंकि ऑटो वाले को मैंने पहले ही बोल रखा था कि वो रात 9 बजे आ जाए ताकि रवि 10 बजे वाली गाड़ी वक्त से पहले पहुंचकर पकड़ सके। खाना खाते खाते 8 से ऊपर का समय हो चुका था। खाना खाने के बाद वो अजनबी ने थोड़ी देर आराम किया, फिर वो तैयार होने लगा। करीब 9 बजे ऑटो घर के बाहर खड़ा हो चुका था। मैं और मेरी पत्नी उनको प्रणाम कर उन्हें ऑटो में बैठा दिया। ऑटो वाले को मैंने कह दिया था कि पैसे नहीं लेने, वो कल सुबह मेरे से आकर पैसे ले ले। उनके जाते ही मेरी पत्नी ने कहा, आज तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, कल सुबह मैं इस मामले में आपसे बात करूंगी। ये बोलकर वो सोने चली गई। मैं थोड़ी देर सोचता रहा। अपने जेब से अंगूठी निकालकर अपने हाथ की उंगली में पहन लिया। थोड़ी देर बाद मैं भी सोने चला गया। अचानक से फिर कॉल बेल बजा। मेरी नींद खुल गई। मैं फिर दरवाजे की तरफ बढ़ा। कॉल बेल फिर से बजा। अब की बार मुझे वो मकड़ी नहीं दिखाई थी। मैंने दरवाजे की चिटकनी को खोला। सामने एक साधु बाबा, बड़ी दाढ़ी और बाल बड़े हुए, एक हाथ में कमंडल और एक हाथ में त्रिशूल लिए। उस बाबा ने कहा, अलक निरंजन। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बच्चा, ये अभिशप्त अंगूठी है, तू अब बहुत बड़े जाल में फंस चुका है। ये सुनते ही मेरी नींद खुल गई। रात के 3 बजे थे। मैं फिर से सपना ही देख रहा था। अब तो इस पहेली में मैं पूरी तरह से उलझ चुका था। मैं दूसरे रूम में जाकर वहां की लाइट जलाई, अपनी वो अंगूठी को निकालकर गौर से देखने लगा। एक नीले रंग का पत्थर जो कि पारभासी की तरह था, उनके पेज पे बैठाया गया था। मैं उस पेज को कोशिश करके खोलने लगा। पेज खुलते ही वो नीले रंग का पत्थर बाहर निकल गया। मैंने एक लेंस लगाकर गौर से उस नीले पत्थर को लाइट की मौजूदगी में देखने लगा। उसे देखकर तो अब मेरी हवायां ही उड़ रही थी। उस नीले पत्थर के अंदर 3 सुनहली मकड़ी की आकृतियां बनी हुई थी। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए डाउनलोड करें
प्रतिलिपि FM ऐप और ऐसी दिलचस्प कहानियों से जुड़ने के लिए इस पेज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।